कंपेयर टू मी एंड सीरियसली कॉम्पिटिशन तो रहता है. जैसे मैं देख रही हूँ सारे सबके फिगर्स ऑलमोस्ट 90-20 का डिफरेंस है सब में. बट जितना तो किसी एक को है वो तो सबको पता है. बट अपना बेस्ट हो जो भी दे सकती वो दे दो इट मीन्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ. तो लेट्स सी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल. मैं ना मैं भी कभी छोटा था और जितने भी स्ट्रगलर और जितने भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ. मैं 90% मूवी सीरियल एवॉर्ड का काम करता हूँ. तो एक सीढ़ी है मूवी में और सीरियल और एल्बम और एवॉर्ड्स और मॉडलिंग में आने की इस तरीके से. तो मैं मेरी ओर से जो भी हो सकता है उतनी कोशिश करता हूँ और सबको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मीडिया लोगों के तक जावे. और इनमें से जैसे फेमिना मिस इंडिया है, फिल्म फेयर है, आईफा है, ग्लेडरेज है, सबको मैं स्पॉन्सर करता हूँ. तो इवन छोटा रहे बड़ा रहे मेरी नज़र में सब एक सरीखे और सबको भगवान एक तक देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. वो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं एक जरिया बनने की कोशिश करता हूँ. बहुत ही बड़ी बात है इंडस्ट्री के टॉप जो बोले कि आज शाहरुख सर उनके लिए बोलते, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ ये चीज़ बोलने के लिए. और इनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती. ये इवेंट का पूरा श्रेय जाता है इनको कि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया स्टार्ट से लेकर एंड तक. मिस फैब को इतना बड़ा नाम करने का श्रेय है सिर्फ योगेश सर को और किसी को नहीं. I'm really very thankful to Yash and Vaishali and Kranti Shanbag and more to sir. तो जैसे कि अभी मैं इनकी स्पीच को सुना, मुझे एक्चुअल में इट्स वेरी टची कि जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए और यहाँ ये फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में कोई इतनी आसानी से आपको प्लेटफॉर्म देता नहीं है. तो ये इनका बहुत अच्छा स्टेप है जो ये यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं. तो पहली जो हमने वर्कशॉप की उसमें काफ़ी, उसके बाद आज मैंने रियली वेरी वेरी चेंजेस आर देयर. दे आर सो कॉन्फिडेंट गर्ल्स एंड नाउ द आईज आर सो लाइक एक चमक है, उनमें उमंग है, होप है. तो बींग अ ज्यूरी बहुत मुश्किल होता है. किसी को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देना तो इट्स रियली वेरी टफ टास्क फॉर मी फॉर टुमारो. तो मैं उम्मीद करूँगी उनसे ज़्यादा शायद मैं नर्वस होंगी कि मैं किसको रखूँ लिस्ट में और किसको छोड़ूँ. तो इट्स रियली वेरी टफ जॉब कि आप किसी को ऐसे किसी का दिल नहीं दुखा सकते. बट यू हैव टू डू इट नाउ कि करना है, एट द एंड तो आपको रिजल्ट लाना ही है. तो मैं बस सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने प्लेटफॉर्म आई यंगस्टर्स को दिया. क्योंकि मैं कभी अमृतसर से एक छोटे से टाउन से आई हूँ, वेरी स्मॉल, एंड मुझे वो दिन अपना फर्स्ट याद आ रहा है जब कभी मैं ऐसे रैंप पे चलती थी जहाँ जिसको वॉक भी नहीं आती थी, जिसको कपड़े पहनने की सेंस नहीं थी. और आज मैं सिखा रही हूँ बच्चियों को. तो हो सकता है कल ये जो बच्चियाँ आज मुझसे सीख रही हैं वो भी मेरी जगह खड़ी हों और किसी को सिखा रही हूँ. मैं यही चाहती हूँ. भाई देखिए, हंसी और हसीन ये दो अट्रैक्शन के माध्यम होते हैं. तो ये सब हसीन हैं और हम सब हंसी हैं. और हंसी और हसीन के बीच में एक शब्द आता है हस्ती. जो लड़कियां हंसती हैं वो भी हंसती हैं, जो व्यक्ति हंसता है वो भी हंसती है. तो कुल मिलाकर हसीन और हंसी के बीच में ये जो कंपटीशन होने जा रहा है मिस फैब, मुझे लगता है कि इसमें से ही बहुत सारी लड़कियां हंसती बनेगी और बहुत सारी लड़कियां अलग अलग प्रोफेशन में इस चीज़ को मॉडल बन के सामने आएगी, रोल मॉडल बन के सामने आएगी. किसी मॉडल को रोल मिलेगा, कोई रोल मॉडल बन जाएगी. योगेश जी हमेशा से सपोर्ट करते. मैंने दो फिल्में बनाई भावना को समझो, मनी बैक गारंटी, और दोनों फिल्मों में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. आने वाले भी प्रोजेक्ट में भी मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ और मेरी बहुत सारी फिल्मों को सपोर्ट करते. मुझे लगता है कि यार योगेश जी का सरनेम वाकई लाखों में एक है. लखानी जो है सरनेम वाकई लाखों में एक है. और वो क्या है, योगेश क्या है, हम गेस नहीं कर सकते. इतना कमाल के इंसान है, उनके साथ जो भी जुड़ जाता है उनका फ्यूचर ब्राइट ही होता है. आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, मेरी फिल्म आ रही है, मराठी फिल्म आ रही है कामरी 420, जो उपासना सिंह मैं असानी जी कर रहे हैं, मराठी और हिंदी दोनों में आ रही है. फिर राजपाल यादव के साथ मेरी आ रही है तुक्का फिट. फिर अभी अतरंगी फिल्म आ रही है जिसमें मैं और हेमंत पांडे कॉमेडियन हैं. और टेंशन मत ले यार आ रही है, उपासना सिंह है, ओम पुरी जी है उसमें, बहुत सारी फिल्में आ रही है. ग्लैमर एक इंग्लिश नाम है. जितने भी यहाँ अच्छे कलाकार जो सीख के अच्छे गुरुओं से तालीम लेके आए हैं, चाहे वो एक्टर हीरो हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मेरे जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो जो अच्छे गुरुओं से तालीम ली है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और लोग सिर्फ किसी के वसीले से या किसी की सिफारिश से आते हैं तो बहुत कम दिन ही चलते हैं, बाद में निकल जाते हैं. और इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने इंडस्ट्री को 30 साल दिए, मेरे परिवार ने तो मतलब 1935 से लेके यानी 81 साल दिए हैं.
और फिल्म लाइन में एज ए संगीतकार मेरी फोर्थ जनरेशन है, मेरा पोता भी अभी संगीतकार है। तो जो हमने देखा कि जितने भी ईमानदारी से अपने काम को इबादत की तरह, पूजा की तरह, जिसने भी इस लाइन में अपने आप को लाए हैं, तो काम किया है, तो उनका सूरज, उनका नाम आज भी सूरज की तरह चमक रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जितने अभी जो बच्चियों को मैंने देखा, जो टैलेंट देखा, उम्मीद ज़रूर रखो आगे बढ़ने की, मगर उसका एक दायरा, उसकी जो चलन है वहाँ तक पहुँचने का, वो प्रॉपर गाइडनेस होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे प्यारी और सुंदर और ईमानदार लाइन फिल्म लाइन से बड़ी कोई लाइन नहीं है। अब इसको चाहे आप ग्लैमर लाइन कह दो या क्रिएटिव लाइन कह दो या एक मेहनत करने वालों की लाइन कह दीजिए। चैलेंज तो देखिए क्या होता है कि इसमें हर डिपार्टमेंट का अलग अलग चैलेंज है। म्यूजिक में अगर आते हैं तो उसका अलग है, एक्टिंग में आते हैं तो उसका अलग है, डायरेक्शन में है उसका अलग है। मगर मैं समझता हूँ कि एक अच्छे आर्टिस्ट को सबसे पहले तो जिस लाइन में, जिस फील्ड में जाना हो, उसी फील्ड की मालूमात रखनी चाहिए। उसके अलावा जैसे अगर उसको सिंगर बनना है तो उसको सिंगिंग की मालूमात रखनी चाहिए, अगर उसको डायरेक्शन में जाना है तो डायरेक्शन की मालूमात रखनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि खाली असिस्टेंट बने हुए रहते हैं, छठे सातवें बाद में दूसरे तीसरे साल बोल देते हैं साहब हम तो डायरेक्टर हैं, किसके साथ थे कि उसके साथ थे, तजुर्बा कुछ नहीं होता, तो वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि जिस फील्ड में भी आप आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उसकी प्रॉपर गाइड मालूमात करके अगर वो आएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि शाहरुख खान बनते, कैटरीना कैफ, करीना कैफ बनते, करीना कपूर बनते हुए टाइम नहीं लगता है।